नमस्कार दोस्तों, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट की समस्या या प्रोस्टेट बढ़ जाना, ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। खासकर हमारे बुजुर्गों को ये समस्या हो ही जाती है। तो आज मैं आपको अपना बनाया हुआ एक कॉम्बिनेशन, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसको यूज़ करने से ना सिर्फ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में आराम लगेगा, अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं तो BPH की प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी और प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, इसका मतलब है कि आपके जो प्रोस्टेट है उसमें जो सेल्स हैं वो बढ़ गए हैं या सेल एनलार्ज हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जिसके कारण जो आपका प्रोस्टेट है वो बड़ा हो गया है और जिसके कारण जो प्रोस्टेट के बीच से जो नली निकलती है, पेशाब की नली, वो दबने लगी है। पेशाब की नली दबने के कारण जो आपका पेशाब है वो अच्छे से नहीं निकलता है या आपका जो ब्लैडर है उसमें पेशाब बचा रह जाता है, जिससे आपको पेशाब बार बार लगती है। रात में आप 2-3 बार उठते हैं या उससे ज़्यादा बार उठते हैं और आप बार बार पेशाब करने जाते हैं, पेशाब थोड़ा होता है, बार बार होता है और पेशाब आपको एकदम से लगता है। उसके साथ साथ जब आप पेशाब करते हैं तो जो पेशाब की धार है, जो स्ट्रीम है, वो बीच बीच में टूटने लगती, तो पेशाब कम निकलती है और जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन की आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो किडनी आपकी फंक्शन सही से कर रही है, धीरे धीरे वो फंक्शन भी करना कम कर देती है और जिसके कारण आपका यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मोस्टली हमारे बुजुर्गों को होती है या जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो तो ये होना चालू होता है। उसके बाद 50 में थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, 60 में समझ में आने लगता है, पेशाब रुकने लगती है और पेशाब बार बार आप जाने लगते हैं, 70 तक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ती है। तो प्रोस्टेट की समस्या बहुत ही ज़्यादा आम है, लगभग मेरे क्लिनिक में हर 5वां पेशेंट प्रोस्टेट का होता है। जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ही आम है। तो आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ये कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन का है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 4 होम्योपैथिक मेडिसिन मिलानी है और मिला के लेना है और लेने के बाद इसे लगातार यूज़ करना है। शुरुआत में जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे आपको आराम लगेगा, जो बार बार पेशाब हो रही है, जो रात में बार बार आपको उठना पड़ता है, उसमें आराम लगने लगेगा और धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम है प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रोस्टेट को ठीक करती है और धीरे धीरे प्रोस्टेट पूरी तरीके से आपका ठीक हो जाता है। जो हाइपरट्रॉफी है, जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है और वो क्या करती हैं। उसके बाद मैं इसको बनाने का तरीका बताऊँगा, लास्ट में मैं इसको यूज़ करने का, लेने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है और कैसे वो प्रोस्टेट को ठीक करती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, सेबल सेरुलेटा। दोस्तों, सेबल सेरुलेटा वेल नोन मेडिसिन है प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए और प्रोस्टेट की जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आराम पहुंचाने के लिए। तो इसके सिम्टम्स बिल्कुल प्रोस्टेट के सिम्टम्स से मिलते हैं, जैसे कि आपको बार बार पेशाब लगती है, थोड़े थोड़े समय में पेशाब आपको लगती रहती है। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो जब शुरुआती पेशाब निकलती है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। उसके बाद जो स्ट्रीम है वो प्रॉपर नहीं रहती और बाद में बूंद बूंद करके पेशाब लास्ट में टपकती है। तो अगर ये लक्षण है तो सेबल सेरुलेटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये प्रोस्टेट को छोटा करती है, कम करती है, नॉर्मलाइज करती है। तो सेबल सेरुलेटा आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें इस कॉम्बिनेशन। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। दोस्तों, कैल्केरिया फ्लोर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसकी साइज़ को घटाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो बस इसका यही काम है, ये प्रोस्टेट के साइज़ को घटाती है, जिसके कारण जो आपकी पेशाब नली दबी हुई है वो धीरे धीरे खुल जाती है और आपकी समस्या ठीक हो जाती है। तो कैल्केरिया फ्लोर आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, पिक्चर आपको दिखी रही है। तो तीसरी मेडिसिन है थूजा।
दोस्तों थूजा भी आप 30CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज करें। थूजा एक तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया जो हो रहा है, जो साइज बढ़ी हुई है प्रोस्टेट की, वो घटाती है। दूसरा, प्रोस्टेट जो है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, हार्मोन्स आपके शरीर में चेंज होने लगते हैं उसके कारण होता है, तो वो हार्मोनल चेंजेस को भी ठीक करती है जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। और तीसरा, ये डाइजेशन को भी ठीक करती है और पेशाब की जो धार है उसे भी ठीक करती है। तो थूजा आप 30CH पोटेंसी में यूज़ करें। और लास्ट में क्लेमेटिस एरेक्टा, दोस्तों क्लेमेटिस एरेक्टा आप 30CH पोटेंसी में यूज़ करें। ये जो आपको बार बार पेशाब लग रही है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पेशाब में अगर हल्की जलन हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो आपकी पेशाब की नली है वो बिल्कुल दब गई हो और वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है जिसके कारण आप पेशाब एकदम से रुक जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। और साथ ही साथ जो एकदम से आपको पेशाब लगती है और आपको जाना ही पड़ता है, कभी कभी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाता है, उसके लिए भी क्लेमेटिस एरेक्टा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो क्लेमेटिस एरेक्टा आप 30CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में, प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। आप ये चारों मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप से लेके आएँ, चारों मेडिसिन SBL या शॉबे की या डॉक्टर रेक्वेयर की लेके आइएगा, मतलब अच्छी कंपनी के लेके आइएगा और पैक्ड लेके आइएगा। उसी होम्योपैथिक शॉप से आप 100ml की खाली सीसी लेके आइएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आपको 100ml की खाली सीसी जिसमें ड्रॉपर लगा रहता है वो ज़रूर आप मंगाइएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है बनाने का तरीका। आपको बराबर मात्रा में इक्वल प्रोपोर्शन में इन सबको मिलाना है। तो आप सबसे पहले 7 सोलिटर 30 मिला दीजिए 20ml, उसके बाद आप मिलाइए क्लेमेटिस एरेक्टा 30 20ml, थूजा 30 20ml और कैल्केरिया फ्लोर 30 20ml। ये मिल गया और बन गया कॉम्बिनेशन, प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन। बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और मिलाने के बाद आपको ड्रॉपर बंद करना है, ढक्कन लगाना है और थोड़ा सा हिला लेना है, बस ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब आप इसे यूज़ कैसे करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यूज़ करने का तरीका, 2 से 3 बूंद आपको पीना है, दिन में 3 बार पीना है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में ये कॉम्बिनेशन है, जीभ में आपको 2 से 3 बूंद टपकाना है, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको आधे घंटे का अंतर देना है। जैसे खाना खाने के पहले खा रहे हैं तो आधे घंटे पहले खाएं, या बाद में खा रहे हैं तो आधे घंटे बाद में इसे पिएं। तो 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार ये लगातार लीजिए। आप लेंगे, मुझे लगता है कि 10 दिन में आपको बहुत आराम लगेगा। जो बार बार पेशाब हो रही थी, जो रात में पेशाब हो रही थी, पेशाब करते समय जो समस्याएँ थी, जो स्ट्रीम की कमी थी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर ये मेडिसिन आप लगातार लेते हैं, आपको आराम 10 दिन में लग गया, तो इसे कंटिन्यू करिएगा और 3 से 4 महीने तक लगातार लीजिएगा। इससे प्रोस्टेट का साइज़ कम होगा, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन लगातार लीजिए 3 से 4 महीने तक, इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लगातार लेने से बहुत फ़ायदा होगा और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो ज़रूर इसे यूज़ करिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, प्रोस्टेट क्योर कॉम्बिनेशन, और बहुत ही सिंपल सी मेडिसिन है, बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। ज़रूर कॉम्बिनेशन यूज़ करके देखिए और बताइए मुझे। इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन आपने यूज़ किया तो रिजल्ट्स आपको कितने मिले, कब तक मिले, कैसे मिले, ज़रूर मैसेज ज़रूर करिएगा। तो पहले यूज़ करिए, फिर मैसेज करिए और ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखे तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखे तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज आता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिखे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।